प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। कक्षा तीसरी का परिसर अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों आज का जो अपना टॉपिक है वो है डायरेक्शंस एंड मैप्स, जिसे हम हिंदी में दिशाएं और मानचित्र कहते हैं। मेरा तो चलिए बच्चों देखते हैं हमें डायरेक्शन और मैप्स की आवश्यकता क्यों होती है। जैसा हम जानते हैं हमारे हाथ में दाहिना हाथ बायां हाथ आगे पीछे ये सबसे हम भली भांति परिचित हैं। जैसे आप क्लासरूम में बैठे हैं तो आपके दाहिनी साइड क्या है, आपके बाईं साइड क्या है, आपके सामने क्या है, आपके पीछे क्या है, ये सब की जानकारी आपको पहले से ही है। तो आज हम लोग दिशा और मानचित्र इसके बारे में देखेंगे, जिसको हम डायरेक्शन एंड मैप्स बोलते हैं। तो बच्चों जो दिशाएं होती हैं, दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, ये चार दिशाएं मुख्य रूप से होती हैं। ये देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अगर आप खड़े हैं सामने से तो आपके राइट डायरेक्शन में ईस्ट होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में वेस्ट दिखाया गया है, ऊपर के सिरे पर नॉर्थ दिखाया गया है और लेफ्ट साइड में साउथ दिखाया गया है। तो बच्चों इसको हम और आसानी से समझने के लिए ये कह सकते हैं कि रोज सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। उसको हम दिखाएंगे। मैप की हमें क्यों आवश्यकता होती है उसके पहले में जानकारी कर लेते हैं। जो मैप है, जो मानचित्र है, जहां हम रहते हैं इस परिसर में, वहां पर बहुत सारी नदियां हैं, झील है, जंगल है, बड़ी बिल्डिंग है, रोड है, इतनी सारी चीजें हैं बच्चों। अगर उसका मानचित्र न बनाया जाए, न दर्शाया जाए, तो हमको कहीं आना जाना है तो हम समझ ही नहीं पाएंगे हमको कहाँ जाना है कहाँ आना है। कभी कभी आप देखते हैं कि एक ही बिल्डिंग का दृश्य जो है वह अलग अलग कई जगहों पर दिखाई देता है, इसीलिए सबके नाम अलग अलग हैं। इस प्रकार से इन सब बातों की जानकारी करने के लिए हमको मानचित्र की आवश्यकता होती है। हमारे घर, हमारे देश में कह लीजिए जितनी नदियां हैं, जितने टीले हैं, जितने पर्वत हैं, सागर कितने हैं, सड़कें कौन सी हैं, सब की जानकारी हमारे मानचित्र द्वारा हमको आराम से मिल जाती है। इसलिए हमें मैप की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पर देखिए लेफ्ट राइट बता रहा है कि पार्क कहाँ है, रोड कहाँ है, हाउस कहाँ है, रिवर कहाँ है। अगर हमें दिशा की जानकारी है तो हम मानचित्र आराम से देख सकते हैं। पहले हमें दिशा की जानकारी होनी चाहिए, इसके बाद तब हमें मानचित्र की जानकारी हो पाएगी। अगर दिशा की जानकारी नहीं है तो हम मानचित्र देख भी नहीं सकते हैं और देखकर ये भी नहीं क्लियर कर सकते हैं कौन सी चीज किस दिशा में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है या साउथ में। तो बच्चों एक उदाहरण के द्वारा हम आपको जैसे
डायरेक्शन हम कैसे पता पाएंगे? लेट अस लर्न हाउ टू फाइंड द डायरेक्शंस। हम दिशाएं पहचानना सीखें। हम दिशाएं पहचानना सीखें। कैसे सीखें? ये देखिए, आप सभी जानते हैं सूर्य पूरब दिशा में उगता है। अगर हम सूर्य के सामने मुंह करके खड़े हो जाएं, सूर्य सुबह उगता है उसको सूर्योदय बोलते हैं, तो हमारे मुंह के सामने सीधा अंगुली अगर हम करेंगे तो सूर्य जिस स्थिति उगता है जिधर से, उसको कहते हैं ईस्ट। उसको क्या कहते हैं? ईस्ट कहते हैं। और ठीक पीछे की साइड में, पीठ की साइड कह लीजिए, वह होता है वेस्ट। ईस्ट को पूर्व बोलते हैं, वेस्ट को पश्चिम बोलते हैं। अगर उसी स्थिति में खड़े रहो तो हमारे दाहिने हाथ की दिशा जो होती है दर्शाती, वो साउथ दर्शाती है, और बाएं हाथ की दिशा जो है वो नॉर्थ दर्शाती है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। तो पूर्व तथा पश्चिम दिशाएं एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। क्लियर? पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो तो हमारे पीछे की ओर पश्चिम दिशा होती है। इस स्थिति में अपने बाईं ओर उत्तर दिशा होती है, जबकि दाईं ओर दक्षिण दिशा होती है। यह कृति बच्चों आप करके देख सकते हो। जिधर भी सूर्य निकलता है, आप यहां तो नहीं पता पाओगे, गांव में अगर आप जाते आते हैं या कहीं खुले मैदान में है सूर्योदय के समय, तो आप खड़े होकर एकदम स्थिति बता सकते हैं कि पूर्व कौन सा है, पश्चिम कौन सा है, उत्तर कौन सा है, दक्षिण कौन सा है। इसी आधार पर ये चार मुख्य दिशाएं हैं और इन दिशाओं का जिक्र किया गया है। ये देखिए चित्र है, यहां पर शारा और अमीर दो लोग हैं। इनमें देखिए शारा को दिखाया गया इस भाग में ईस्ट है, तो ईस्ट के ठीक पीछे क्या होता है बच्चों? ईस्ट वेस्ट होता है, और इस साइड में नॉर्थ आएगा, और इस साइड में क्या आएगा? साउथ है। ईस्ट में पूरब निकलता है। शारा और अमीर दो जगह बताई गई है। इस चित्र में पूर्व दिशा दी गई थी। इस आधार पर क्या होता, हमें दिशा की जानकारी करना था। अब यहां पर अगर ये प्रश्न पूछा जाता है, आइसक्रीम है, अमीर को आइसक्रीम की दुकान पर जाना है, इसके लिए उसे किस दिशा में जाना पड़ेगा? अमीर कहाँ है? इधर पूर्व साइड में है। आइसक्रीम की शॉप कहाँ है? इसके पीछे है, तो उसको पश्चिम दिशा में जाना पड़ेगा। शारा को बस स्थानक की तरफ जाना, बस स्टॉप दिख रहा है यहाँ पर। शारा को बस स्थानक की तरफ जाना है, तो उसे किस दिशा में जाना पड़ेगा? उसको नॉर्थ दिशा में है, तो उसको साउथ दिशा में जाना पड़ेगा। आइसक्रीम की दुकान से बस स्थानक की ओर आने के लिए किस दिशा में आना पड़ेगा? तो वेस्ट में है, इसको कहां आना पड़ेगा? ईस्ट में आना पड़ेगा, मतलब पूरब दिशा में आना पड़ेगा, पूरब दिशा में आना पड़ेगा। इस प्रकार से बच्चों दिशाएं चार प्रकार की होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। बच्चों यह है बृहत मुंबई
महानगर पालिका। ये बृहत मुंबई महानगर पालिका में बड़ी सिटी है, हमारे देश की सबसे बड़ी सिटी है, शहर है। ये मुंबई सिटी और मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट दो भागों में बटी हुई है। मुंबई उसमें से सबसे बड़ा शहर है इंडिया में। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये दहिसर दिख रहा है और ये दिख रहा है कोलाबा। यहां से दहिसर तक मुंबई में आता है। दहिसर बोरीवली के आगे है कहा जाता है। तो यहां पर दहिसर और यहां पर मानखुर्द दिख रहा है, ये मुलुंड है। यहां पर ये देखिए तुलसी झील है, जिस झील से हम लोग पानी पीते हैं। ये है बिहार झील है, ये पवई झील है। इन झीलों से पानी हमारे घरों में आता है। ये सारे झीलों की बाउंड्रियां हैं। ये देखिए लाल लाल दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहां पर मानचित्र बनाते समय दिशा का ज्ञान यहाँ पर बताया गया है। ईस्ट इस साइड में है, वेस्ट इस साइड में है, नॉर्थ ऊपर है और साउथ क्या है नीचे है। तो बच्चों बिना मैप के, बिना दिशा के मैप हम देख नहीं सकते हैं, इसलिए दिशा और मानचित्र का एक दूसरे से बहुत गहरा संबंध है। बिना दिशा के हम मानचित्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं, मानचित्र का पठन नहीं कर सकते हैं, इसलिए दिशा और मानचित्र का एक दूसरे से बहुत बड़ा संबंध है। इसी प्रकार से हमारे हमारे जो देश है उसकी भी रचना जो हुई है इसी मानचित्र के और दिशा के आधार पर बनाई गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोगों ने मुख्य रूप से जो चार दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के बारे में सीखा। आप इसका कैसे कर सकते हैं इंगित, तो सूर्य के सामने, सूर्योदय के सामने आप खड़े हो जाएंगे, आपको पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण का ज्ञान हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।